है 12.2। क्वेश्चन नंबर थर्ड, एक कारखाने में, देखो एक वर्कशॉप है, वर्कशॉप में कितने भी व्यक्ति काम कर सकते हैं और वहां पर काम चल रहा है आपका टेनिस के रैकेट तथा क्रिकेट के बल्ले बनते हैं। एक टेनिस रैकेट बनाने के लिए 1.5 घंटा यांत्रिक समय तथा 3 घंटे शिल्पकार का समय लगता है। एक क्रिकेट बल्ले को तैयार करने में 3 घंटे यांत्रिक समय तथा 1 घंटा शिल्पकार का समय लगता है। एक दिन में कारखाने में विभिन्न यंत्रों पर उपलब्ध यांत्रिक समय के 42 घंटे और शिल्पकार समय के 24 घंटे से अधिक नहीं है। पहले लिखेंगे आप आइटम, आइटम में है रैकेट और क्रिकेट। इसमें मान लिया आपने संख्या, संख्या क्या है, रैकेट को एक्स मान लिया और क्रिकेट को वाई। इसके बाद रैकेट बनाने के लिए 1.5 घंटा यांत्रिक समय बनाने के लिए 1.5 घंटा यांत्रिक समय तथा 3 घंटे शिल्पकार का समय लगता है। 3 घंटे शिल्पकार के लिए एक क्रिकेट बल्ले को तैयार करने में 3 घंटे यांत्रिक समय तथा 1 घंटा शिल्पकार का समय लगता है। एक दिन में कारखाने में विभिन्न यंत्रों पर उपलब्ध यांत्रिक समय के 12 घंटे यांत्रिक समय के 12 घंटे की 42 घंटे तथा शिल्पकार समय के 24 घंटे अभी कह रहा है कि रैकेटों और बल्लों को कितनी संख्या में बनाया जाए ताकि कारखाना पूरी क्षमता से कार्य करे। सेकेंड, यदि क्रिकेट रैकेट और बल्ले पर लाभ प्रॉफिट किस हिसाब से है? क्रमशः 20 रुपये, 10 रुपये। तो कारखाने का अधिकतम लाभ ज्ञात कीजिए। अधिकतम क्या पूछा बेटा? लाभ क्या होगा इसका? 10 10 के सभी जितने भी होंगे। उद्देश्य फलन,
जे इज इक्वल टू लाभ वाले पहुंचेंगे, अगर किसी में दर दे रखी है तो दर के हिसाब से लिखेंगे 20x प्लस 10y, इसको मान लिया आपने इक्वेशन फर्स्ट। अब रो यांत्रिक समय के लिए 1.5x प्लस 3y अधिकतम के लिए तो लेस देन इज इक्वल टू 42। इसी प्रकार सेकेंड सिल्क कार का समय 3x प्लस y लेस देन इज इक्वल टू 24। देखो बेटा जितनी भी संख्या दे रखी है सभी लिख दी हमने, कोई रही तो नहीं। अब क्या करेंगे, रेखा का समीकरण बनाएंगे 1.5x प्लस 3y इज इक्वल टू 42। y इज इक्वल टू 0 पुट इन इक्वेशन थर्ड 1.5x इज इक्वल टू 42, x इज इक्वल टू 42 अपॉन 1.5 जीरो बढ़ा देंगे। अब बेटा काट देते हैं 5 से काट दो, वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 28। सेकेंड x इज इक्वल टू 0 पुट इन इक्वेशन थर्ड, ये तो आपके a पर बिंदु आ गए, जब हमने y का मान 0 रखा तो x का मान कितना निकल के आया बेटा 28। अब हम x का मान 0 रखेंगे तो 3y इज इक्वल टू 42, वैल्यू ऑफ y 42 अपॉन 3, y की वैल्यू आ गई आपकी 14। b बिंदु पर x की वैल्यू 0 रखी तो y का मान क्या आया आपका 14। जीरो कॉमा जीरो एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश। अब इसमें देखो बेटा ये है चार के ग्रुप में रखे देते हैं, x में देखो बेटा 28, चार का एक खाना बना है 28.0। इसी प्रकार अब आप y में देखें, थोड़ा सा आप ऊपर चलेंगे b पर है पॉइंट आपके, जब y पे चलेंगे तो x 0 y की वैल्यू आई आपकी 14। मिलाइए इसको पैमाने से, अब इसी प्रकार हम देखो बड़ा इस सेकंड वाला लेस देन है, इसको हम फोर्थ मानेंगे जो रेखा का बनाएंगे 3x plus y is equal to 24, equation 4 मान लिया, y is equal to 0 put in equation 4, 3x is equal to 24
वैल्यू ऑफ एक्स इक्वल टू 24/3 8 बार एक्स की वैल्यू निकल के आई 8। इसको मान ले आप बिंदु पी मान लेते हैं 1, 0 पी मानेंगे तो दूसरा पी मानेगा एक्स का मान 0 रखिए पुट इन इक्वेशन 4 y इक्वल टू 24 क्यू पर है x की वैल्यू 0 रखी तो y का मान निकल का आया आपका 24 r एक कॉमा जीरो इसी प्रकार 24 q y का निकालेंगे तो x का मान 0 और y की वैल्यू आई आपकी 24 ये आपका कटान आया इसको हमने लिख दिया आर। ये कह रहा देखो ये तो आपके बिंदु निकल के आ गए अभी आर है और इसके ये दे रखा है आपका लेस देन में जो दिया है तो ग्राफ कहाँ बनेगा इसका कहाँ बनेगा आया था ठीक है तो यहाँ ग्राफ भी आपका O P R B के अंतर्गत बनेगा बात निकला जब आप R निकालेंगे R के बिंदु तो इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ को आप सॉल्व करेंगे ठीक है इक्वेशन फोर्थ एंड थर्ड को सॉल्व करेंगे और इनके बिंदु जो भी आए निकाल कर बता दूं मैं आपको पहला थर्ड इक्वेशन बोला 1.5x प्लस 3y इज इक्वल टू 42 सेकंड चौथी बार बोलो 3x प्लस y इज इक्वल टू 24 अब देखो बेटा यहां से वैल्यू निकालेंगे आप साइमल्टेनियस इक्वेशन के साथ आपसे तो 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए ये हो गया आपका 9x प्लस 3y अब इसमें जो घटाएंगे ये मान सो गए ये मान सो गए ये मान सो गए कितना बचा बोलो जल्दी 7.5 देख रहे ना 9 में से 1.5 बचा दिया माइनस का 7.5 ठीक है ठीक तो बचेगा a -0 3 माइनस वैल्यू ऑफ x is equal to 30/7.5 value of x is equal to 4 comma अब देखो बेटा कि x है is equal to 4 आया अब आप इसमें equation 4 पर रखिए y का मान निकालने के लिए ये हो गया आपका 12 प्लस y इज इक्वल टू 24 वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 12 24 माइनस 12 अब आप जो आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उद्देश्य फलन है इसमें वैल्यू ऑफ p का मान रखिए 8.0 10 a j is equal to 160 हो गया ठीक है बेटा सेकंड पार्ट तो आपका 0 हो गया इसके बाद चलिए हम r पर बिंदु है 4.12 j is equal to 80 plus 40 नहीं 120 y के स्थान पर रखेंगे ये हो गए आपके 200 इसके बाद फिर b पर बिंदु है आपके 0.14 z इज इक्वल टू 0 प्लस
वन पॉट में, जेड इक्वल टू वन पॉट। अब इसमें आप क्या देखेंगे, मान किसका देखेंगे, क्या देखा था आपका, अधिकतम न्यूनतम, अधिकतम लाभ किसका होगा। देखो बेटा किसका सबसे अधिक आया आपके, 200 बिंदु r पर 4.12 का मैक्सिमम मान 200।